morning everyone. Today we are going to learn lesson number 11-12 worksheet solution. Date 23-1-2021. कठिन शब्द पढ़ो और लिखो वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है हिंदी नोटबुक में. टैसू कंबल भला बेर जून लते कलकत्ता पुकार. यहाँ पे कलकत्ता आएगा. कलकत्ता यहाँ थोड़ा करेक्शन कर देना, ये गलत है. लेसन नंबर 12 के हार्ड वर्ड्स पंजा सीढ़ी भीतर घर घर दीवार सी अजीब दाहिनी मोड़ना दुबक मीन्स छिप जाना. क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्नों के सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए. टैसू राजा कहाँ खड़े हुए थे, बाजार में अस्पताल में या घर में? तो आंसर क्या आएगा, बाजार में. टैसू राजा बाजार में क्या कर रहे थे, सेब ले रहे थे केला ले रहे थे या अनार ले रहे थे? तो आंसर आएगा अनार ले रहे थे. टैसू राजा ने कितने अनार मांगे, 1, 7 या 4? तो कितने मांगे लास्ट में, 4 मांगे. एक अनार कितने दाने वाला था, 1,22,000 20,23,000 या 3,25,000? तो आंसर क्या आएगा, 20,23,000. छोटा बाघ कहाँ खेल रहा था, सड़क पर जंगल में या बाग में? तो आंसर आएगा जंगल में. टर्न योर पेज. सड़क पर क्या था, एक कार खड़ी थी एक रेल खड़ी थी या एक बस खड़ी थी? तो आंसर आएगा एक बस खड़ी थी. बस के भीतर से कैसी आवाज़ आ रही थी, छुक 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 ट्रेन ट्रेन या घर घर? तो क्या कौन सी कैसी आवाज़ आई थी बस के इंजन से मीन्स इंजन से? तो घर घर. दीवार कैसी थी, अच्छी अजीब या दोनों? बाग को वो जो ग्लास रखा हुआ था कांच का, तो वो खिड़की का वो उसको वो दीवार लग रही थी वॉल, तो वो कैसी लग रही थी, अजीब लग रही थी. बस की आगे वाली सीट पर कौन बैठा था, 2 लड़के 2 लड़कियां या एक आदमी? तो 2 लड़कियां. बस के लोग कहाँ से भागने लगे, खिड़की से दरवाजे से या दोनों? तो दरवाजे से. बाघ कहाँ छिप गया, बस के अंदर बस के पीछे या बस के नीचे? तो बाघ बस के नीचे जाकर छिप गया. बाघ का बच्चा कहाँ चलता है, घर पर रास्ते पर या छत पर? तो रास्ते पर. बाघ का बच्चा क्या ले रहता है, पूछ मूछ या दोनों? तो दोनों. बाघ का बच्चा किसके साथ चलता है, माँ के साथ पिता के साथ या भाई के साथ? तो माँ के साथ. बाघ का बच्चा कैसा है, अच्छा डरपोक या बहादुर? तो बहादुर है. बाघ का बच्चे का रूप रंग कैसा है, सुंदर निराला या कोई भी नहीं? तो बाघ का बच्चे का रूप रंग है निराला. बाघ का बच्चा कैसे बोलता है, गुर्राते हुए दहाड़ते हुए या चीखते हुए? तो गुर्राते हुए. सही कथन पर राइट का निशान और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाओ. नंबर 1 किसी शहर में एक छोटा बाघ खेल रहा था. राइट या रॉन्ग, रॉन्ग. किसी शहर में नहीं, किसी जंगल में एक छोटा बाघ खेल रहा था. नंबर 2 पेड़ के नीचे बस खड़ी थी. तो रॉन्ग, सड़क पर बस खड़ी थी. बस का दरवाज़ा खुला था. तो आएगा राइट, यस बस का दरवाज़ा खुला था.
लोग बाग को पास बुलाना चाहते थे। द रॉन्ग नेक्स्ट, बाघ बस की छत पर चढ़ गया। द रॉन्ग, वो बस की छत पर नहीं, वो बस के नीचे छिप गया। बाघ को लोगों का भागना अच्छा नहीं लगा। तो राइट, वो सोचने लगा लास्ट में कि मेरी बस के लोग क्यों भाग गए, तो उसको अच्छा नहीं लगा। क्वेश्चन फोर, अ कौन कैसी आवाज़ करेगा, रेखा खींचकर मिलाओ। तो कार, कार की कैसी आवाज़ आती है, पॉ पॉ। तो आपको नंबर भी लिखना है और मैच भी कर सकते हो। रेलगाड़ी की कैसी आवाज़ आती है, छुक छुक। मोटरसाइकिल की, पिप पिप। तांगा, टक टक, मीन्स जो घोड़ा चलता है वो। फोन की घंटी, ट्रेन ट्रेन। बस का इंजन, घर घर। सही वाक्यों को मिलाओ, आपको पूरा सेंटेंस ज्वाइन करना है। सामने से एक बस आ रही थी, सामने से एक बस आ रही थी। बाघ ने देखा कि बस का दरवाज़ा खुला है। बाघ ने देखा कि बस में कई लोग बैठे हैं। लोगों को भागते देखकर छोटा बाघ कुछ घबराया। छोटा बाघ बस के आगे वाले पहिए के पास जाकर दुबक गया। लास्ट में नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव, नीचे दिए गए वाहनों में कितने पहिए होते हैं वो लिखो। तो साइकिल के दो पहिए होते हैं, रिक्शा तो तीन, कार चार, मोटरसाइकिल दो, जहाज के होते हैं व्हील्स, नो वो तो पानी में चलता है, तो डैश, हवाई जहाज छः, ट्रक छः, एंड रेलगाड़ी के बहुत सारे। टर्न योर पेज, लास्ट पेज। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अ एक से बीस तक की गिनती शब्दों में लिखो। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस। ब, छह ऐसे फलों के नाम लिखो जिसमें जिनमें बीज होते हैं, सीड, जैसे अनार, मतलब उसके अंदर दाने होते हैं ना, अनार का फल में दाने होते हैं ना वैसे। तो आम, आम में होते हैं जामुन, पपीता, चीकू, तरबूज एंड संतरा। उसके अलावा भी आपको आता है तो आप लिख सकते हो। एंड लास्ट जो क्वेश्चन है, बाघ के बच्चे की पेट पीठ पर धारियां बनाओ, मतलब ये जो पट्टे आते हैं वो आपको बनाना है, और उसके रंग भरो, उसके अंदर आपको कलर करना है। ओके, बाय एवरीवन।